हिमाचल प्रदेश में बहुत से लोकप्रिय और धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। ऐसा ही एक धार्मिक स्थल हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित औद्योगिक कस्बे कालाअंब से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर बसे त्रिलोकपुर गांव में माता बाला सुंदरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह भव्य मंदिर श्रद्धालुओं को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर की खास बात ये है कि इस मंदिर का नाम त्रिपुर बाला यहाँ की 3 शक्ति मंदिरों से निकला है, जो भगवती ललिता देवी, बाला सुंदरी और त्रिपुर भैरवी को समर्पित है। इनमें से सबसे ज्यादा बाला सुंदरी का मंदिर यात्रियों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है, जो त्रिलोकपुर बाला मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। यह धार्मिक स्थान इंडो फारसी शैली को दर्शाता है। मंदिर में बजने वाली 81 घंटियों के अलावा यहाँ गूंजने वाले माता के जयकारों से न सिर्फ हिमाचल बल्कि हजारों की संख्या में भक्तजन यहाँ पहुंचकर अपना शीश नवाते हैं और माँ वैष्णो के बाल स्वरूप के रूप में पूजी जाने वाली माता बाला सुंदरी के आशीर्वाद से खुद को धन्य मानते हैं। मंदिर में सुबह 5 बजे माता की विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है यहाँ माता साक्षात रूप में विराजमान है और यहाँ पर मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। माता बाला सुंदरी के भवन से 2.5 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में त्रिपुरा बाला ललिता देवी तथा 10 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में त्रिभवानी का मंदिर स्थित है। इन दोनों के दर्शन करने से पूर्व भक्त ध्यानों के दर्शन अवश्य करते हैं। इसके अलावा यहां देवी ताल तथा पीपल व मौलसिरी के प्राचीन मंदिर भी स्थित है। माँ दुर्गा का बाला सुंदरी रूप सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ कैसे पहुँचा, इसको लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। भक्तों का मानना है कि 300 वर्ष पूर्व यहाँ रामदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के बाद वहाँ से नमक लाकर बेचा करता था। एक दिन उसने काफी नमक बेचा, लेकिन नमक कम भी नहीं हो रहा था। वह जितना नमक लेकर आया था अभी भी थैले में उतना ही मौजूद था। यह देखकर वह घबरा गया। उसी रात को माँ भगवती उस व्यापारी के स्वप्न में आई और उसे बाल रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं पिंडी रूप में तुम्हारी नमक की बोरी में आ गई थी और अब मेरा निवास तुम्हारे आंगन में स्थित पीपल वृक्ष की जड़ में है। लोक कल्याण हेतु तुम यहाँ एक मंदिर का निर्माण करो। सुबह होने पर व्यापारी ने पीपल का वृक्ष देखा। तभी बिजली की चमक व बादलों की गड़गड़ाहट के साथ पीपल का पेड़ जड़ से फट गया तथा माता साक्षात रूप में प्रकट हो गई। यह घटना विक्रमी संवत 1627 की बताई जाती है। उस समय सिरमौर राजधानी का शासन महाराज प्रदीप प्रकाश के अधीन था। एक रात्रि माता ने उन्हें भी स्वप्न में दर्शन देकर भक्त रामदास वाली कहानी सुनाई तथा मंदिर बनवाने की इच्छा प्रकट की। माता का आदेश पाकर महाराज प्रदीप प्रकाश ने तुरंत ही मंदिर के निर्माण का आदेश दे दिया। 3 वर्षों में ही मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया गया। इस मंदिर के लिए कीमती सामान आदि जयपुर से मंगवाया गया। 1630 में बने इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। भवन के चारों ओर देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है। 3 मार्च 1974 को मंदिर की देखरेख का कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया तथा माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर बोर्ड का गठन किया गया। लगभग 350 वर्ष पुराना ये मंदिर धार्मिक तीर्थ स्थल एवं पर्यटन की दृष्टि से विशेष स्थान रखता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।